नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम का सिलेबस। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि आजकल उत्तराखंड में ग्रुप सी की पोस्ट पे 749 पदों पर वैकेंसी निकल रखी है, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। और दोस्तों आजकल आपके पास तैयारी की बहुत अच्छा मौका है ग्रुप सी एग्जाम की, तो इसलिए हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पे उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आयोग विज्ञप्ति, ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकल रखी है 749 पदों पर जो भर्ती होने वाली है कुछ महीनों बाद, उसमें जो शैक्षिक एलिजिबिलिटी मांग रखी है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इसके बेस पे यहाँ पे ये सिलेबस दे रखा है आयोग ने। यहाँ पे 100 अंकों की आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सामान्य हिंदी का आएगा 20 प्रश्न, जिसका सिलेबस नीचे दिया गया है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आएंगे 40 अंक, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग हो सकती है, मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कंप्यूटर साक्षरता से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मैं आपको नीचे अभी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो 20 नंबर की हिंदी हो गई, 20 नंबर का जीके हो गया, और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी 40 नंबर की, ठीक है। तो 40, 40, 80 और 20, टोटल यहाँ पे 100 अंक का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड में पूछा गया यहाँ पे 40 नंबर का, इसलिए आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में फोकस करना है। अब यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ आपको सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम का मैं यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो पहले हम विषय हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का 20 नंबर का आपको हिंदी पूछ जाएगी, तो हिंदी में यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। हिंदी में आएगा भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ भी आएंगी इसमें, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली, जौनसारी, और जो जो बोलियाँ बोली जाती हैं उत्तराखंड में वो सारी आएंगी। लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएँ, तो ये सारी यहाँ पर पूछे जाएंगे। बेसिक हिंदी है यहाँ पर, स्वर एवं व्यंजन आपको किसी बुक में मिल जाएगा, हिंदी वर्तनी विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह एवं हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, जो कि हर एग्जाम में पूछ जाते हैं सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो संधि पूछ जाएंगी, वाक्य परिचय, वाक्य का आशय और परिभाषा, वाक्य प्रकार, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, जो कि हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये भी इसमें भी पूछे जा सकते हैं, पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जनसंचार माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवं हिंदी कंप्यूटर संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस हमने आपको यहाँ पे बता दिया। हम बढ़ते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी सामान्य ज्ञान के जो 40 नंबर आएंगे उसमें से सामान्य बुद्धि परीक्षण भी आएगा, यानी रीजनिंग भी आएगी। तो इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन प्रश्नों को समझने, सामान्य रीजनिंग क्या होती है कि ताकि वहाँ पर अभ्यर्थी का माइंड चेक किया जाता है कि वो कितना सोच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, ठीक है, सारे रीजनिंग के यहाँ पे टॉपिक हैं। शाब्दिक मानसिक योग्यता यानी शाब्दिक मानसिक रीजनिंग से क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोट लेखन, कोटवाचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान, डायरेक्शनल, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हमने रीजनिंग में पहले वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको रीजनिंग के मैंने शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर बता रखी है, जिससे आप मात्र 30 से 40 सेकंड में 4-5 वीडियो जो मैंने बना रखी है, त्रिभुज निकालना, या वहाँ पे घड़ी से संबंधित बना रखी है कि घड़ी में टाइम कैसे देखना है, ये वाला जो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब भी घड़ी से बनता है, और क्या हो सकता है, और पांसा, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्शनल क्वेश्चन, दिशा संबंधित परीक्षण पूछ जाते हैं, उसकी भी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं, और आगे भी हम यहाँ पे इन सारे टॉपिकों में वीडियो बनाएंगे जब हम इसकी तैयारी सीरीज चलाएंगे, तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे इसकी तैयारी सीरीज शुरू करेंगे और आपको बता दिया जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पहली परीक्षण है न्याय निगमन कैलेंडर, कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार, ठीक है, बैठक परीक्षण, तो अच्छे से टॉपिक यहाँ पे रीजनिंग में भी ज़्यादा टफ तो है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक नॉलेज जो कि हर एग्जाम में पूछ जाता है, जिसकी तैयारी आप हमेशा करते ही होंगे। अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की ओर। विषय यहाँ पे इतिहास, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वहाँ पे संविधान, सारा यहाँ पे पूछा जाने वाला है। देखो इतिहास में क्या पूछ जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब एवं तुर्की आक्रमण, ठीक है, यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास से सारे टॉपिक हो गए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आगे दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुगल काल,
मराठा व सिख। आधुनिक काल से पूछा जाने वाला यहाँ पे, यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसी व्यापारी सब आए थे इंडिया में जो कि विदेशी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये सारे यहाँ से टॉपिक बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्वयुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें होम रूल हो गया, मतलब जो भी जब यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था 1857 से, ठीक है, जब गांधी भारत आए, तो ये सारे वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, विश्व के इतिहास से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे आप भारत में विश्व भूगोल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो विश्व के भूगोल से क्वेश्चन बन सकते हैं। विविध शाखाएं और मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भारत का भूगोल पूछा जा सकता है। भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनते बनते हैं। भौगोलिक परिचय, उच्चावता एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली। और यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप वहाँ मैं इसकी PDF फाइल डाल दूँगा ग्रुप सी एग्ज़ाम की, जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक प्रोत्थान, राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। बंगाल का विभाजन, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा, रोलेट अधिनियम, M.K. गांधी का भारत आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का विभाजन से भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। गांधीवाद, गांधी जी के सामाजिक विचार, गांधी के आर्थिक विचार, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान की विशेषताएँ, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और कई बार स्रोत पूछ जाते हैं कि भारत का संविधान जो कि क्या है, बहुत सारे देशों से लिया गया है, तो स्रोत से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भारतीय संसद से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिक्स का भी यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे इतिहास का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसकी PDF फाइल आपका हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड में करा दूँगा। इसकी अर्थशास्त्र में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है, सामयिक हमने करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछा जाएगा। विश्व के देश, महाद्वीप में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं आजकल, करंट अफेयर्स लगभग एक दो या तीन चार सालों का पीछे का भी पूछा जाता है कभी कभी। आजकल आपने हाल ही में ग्रुप डी उसका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देखा होगा, तो उसमें जो करंट अफेयर्स था लगभग दो तीन साल पीछे का पूछा गया था, तो करंट अफेयर्स आपको एक या दो साल का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का, नहीं तो एक साल जिस साल आप एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे एक साल पीछे का करंट अफेयर्स आपका क्लियर होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, उत्तराखंड का आप यहाँ पे पूछ जाएगा 40 नंबर, ठीक है, इसलिए आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो उत्तराखंड आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, क्योंकि उत्तराखंड एक लिमिटेड सिलेबस है, जबकि अगर आप GK की बात करें तो GK बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप हिस्ट्री कितने, हिस्ट्री का सिलेबस, भूगोल का सिलेबस, अर्थशास्त्र अलग हो गया, करंट अफेयर्स अलग हो गया, रीजनिंग अलग हो गया, तो मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है और कोई भी अभ्यर्थी मतलब इतना सिलेबस कवर करना आसानी होता है, इसलिए अगर आप उत्तराखंड में अच्छी तैयारी करते हैं और 40 में से आप 35 या 30 नंबर उत्तराखंड GK के और हिंदी में तैयारी करते हो, चाहिए हिंदी में 20 में से 15 और 18 नंबर के बीच लाते हो, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिर आप GK में आप 20-25 भी ला सकते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। देखो उत्तराखंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरली उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पूछा जाएगा, उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा, उत्तराखंड जल स्रोत पूछे जाएंगे, ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनजाति की, उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा तकनीकी कैसी है, उत्तराखंड का पर्यटन स्थल जो कि उत्तराखंड फेमस है पर्यटन स्थलों के लिए, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दिशाएं, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं, उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध विषय यहाँ पे पूछे जाएंगे उत्तराखंड से। तो आपको अपना उत्तराखंड क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और अभी हम इसकी तैयारी सीरीज भी चलाएंगे और पूरा सिलेबस वहाँ पे टॉपिक वाइज हम वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। जब इसकी हम वो चलाएंगे सीरीज चलाएंगे तो हम आपको बता देंगे, पहले इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि इतने तारीख को हम यहाँ से इसकी सीरीज चलाने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड वहाँ पे हम पूरी वहाँ पे सामान्य GK और हिंदी भी वहाँ पे आपका सारा सिलेबस यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक वाइज चलेंगे। और आजकल आपके पास तैयारी का भी अच्छा मौका है, तो आप उत्तराखंड GK अपना कवर कर सकते हो, सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हो और हिंदी में हिंदी भी अच्छी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान देना है यहाँ पे उत्तराखंड GK और हिंदी में। सामान्य ज्ञान में यदि आप ज़्यादा ध्यान में नहीं दोगे तो सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स या जो GK क्वेश्चन वो नॉर्मली बनेंगे, खैर, पर आपको उत्तराखंड और यहाँ पे हिंदी में विशेष ध्यान देना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम का। और यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा मैंने, तो टेलीग्राम चैनल में मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।